जनपद संभल असमौली थाना क्षेत्र के गांव रचेटा निवासी महफूज बेग 70 वर्ष, मुनव्वर बेग 80 वर्ष तथा मातलूब मंसूरी 60 वर्ष की मौत हुई है। महफूज बाग के बहनोई इसरार अहमद रामपुर के स्वार का रहने वाला था। उसकी शुक्रवार की सुबह मौत हो गई थी। मौत की सूचना मिलने के बाद महफूज बेग अपने परिवार के साथ छोटा हाथी से बहनोई के दफन में शामिल होने के लिए रामपुर के स्वार के लिए घर से निकला था। छोटा हाथी में महफूज बेग के परिवार और गांव के 13 से 16 लोग सवार थे। मझौला थाना क्षेत्र में जब ये छोटा हाथी नेशनल हाईवे बाईपास पर मनोहर गांव के सामने पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित हुआ और साइड से गुजर रहे डंपर में जा घुसा। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। फिलहाल इतना बड़ा हादसा होने से पूरे गाँव घर परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। द्वार के पास में गांव नटपत नगर है, हमारे बहनोई का इंतकाल हो गया था तो वहाँ जा रहे थे। तो अब जब जा रहे थे तो ये मंगूपुरे के मनोहरपुर के पास में गाड़ी का टायर फटा और दीवार से पीछे से कंटिनेटर ने जो टक्कर मारी तब ये सब बिखर गए। सर ये हादसा हुआ कैसे? ये टायर फटने से, गाड़ी का टायर फटा ना। अच्छा, कितने लोग सवार थे उसमें? 15-16 लोग। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ये सब बिखर गए, चोटें लग गई, टूट फूट हो गए, 3 जने मर गए। अच्छा, ये जो एक्सपायर हुए हैं क्या क्या नाम है इनके? मुनव्वर बेग और महफूज बेग और मतलू। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल तो ऐसा मानो सभी सभी घायल हैं। 7-8 सभी तो सब छोटे सभी के लगे हुए हैं। 8-7 जन हो गए। अच्छा, बाकी लोग घायल हैं, 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं मौके पर ही। क्या है अस्पताल में एडमिट हैं, बहुत सीरियस हालत है। अफजाल बेग हम, उनकी हालत बहुत सीरियस है, जो डेंटल में एडमिट हैं। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।